सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सामने दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं आप बताने वाली हूं कि रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और केराटिन में क्या अंतर होता है और आपको अपने बालों के हिसाब से कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और जनरली इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सामने वाले दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो चलिए आज हम जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इनमें क्या अंतर है। रिबॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि इसके नाम में ही है, रिबॉन्ड, बालों के बॉन्ड को तोड़कर एक नया बॉन्ड बनाएगा, यानी कि आपके बालों को स्ट्रेट बनाएगा और जो नया एक टेक्सचर देगा, कि पुराने बॉन्ड को तोड़कर स्ट्रेट बना देगा और इसको हम बोलते हैं रिबॉन्डिंग या फिर स्ट्रेटनिंग। और अब हम बात कर लेते हैं स्मूथनिंग की। दोस्तों, स्मूथनिंग का जैसे कि नाम में ही पता है, स्मूथ यानी कि यह आपके बालों को स्मूथ करेगा, स्मूथ बना देगा, आपके बालों में एक अच्छी सी यू नो स्मूथनिंग लुक देगा। ठीक है, तो ये तो था स्लाइटली सा मैंने आपको बताया कि रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग क्या होता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या इसमें डिफरेंस है। तो रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप किसी सैलून में जाओगे या आप कराओगे रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग, तो जो केमिकल यूज होते हैं, जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो सेम ही प्रोडक्ट यूज होते हैं, प्रोसीजर फॉलो करने का सेम होता है कि किस तरीके से आप रिबॉन्डिंग करते हो, जिस तरीके से आप रिबॉन्डिंग करते हो उस तरीके से आप स्मूथनिंग करते हो। सैलून में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं होता, स्लाइटली सा एक डिफरेंस होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिबॉन्डिंग क्या करता है, आपके बालों को सीधा करता है, आपके बालों के बॉन्ड को तोड़ता है। इसमें क्या होता है, रिबॉन्डिंग में ये आपके बालों को एक फेक लुक देता है, बिल्कुल स्ट्रेट और शाइन वगैरह सारी एकदम यू नो बढ़िया रहती है और थोड़ी सी फेक भी लगती है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है ऑफकोर्स। बट स्मूथनिंग में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि स्लाइटली सा एक डिफरेंस है, वो ये है कि जब आप रिबॉन्डिंग कराते हो तो उसमें जो प्रेसिंग का काम होता है, यानी कि आपके बालों को जो स्ट्रेट करने का जो काम होता है, वो एक सेक्शन में, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस बालों में अगर आपकी यू नो प्रेसिंग मशीन से प्रेस कर रहे हैं सैलून में, तो ये कम से कम आपके 20 से 25 बार यहाँ पर प्रेस करेंगे और खींच खींच कर स्ट्रेट करेंगे। तो क्या होता है, थोड़ा सा ये हमारे रिबॉन्डिंग में स्कैल्प को डैमेज पहुंचाता है, क्योंकि जब यू नो आप 200-210 टेम्परेचर को अपने एक जगह पर लगा के रखोगे, वो भी बालों जैसी जगह पे, और वो भी खींच खींच के यू नो आप स्ट्रेट कर रहे होगे, तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा होगा, करेक्ट। और स्मूथनिंग में क्या करते हैं, स्मूथनिंग में ये एक से दो बार ही आपके एक पार्ट पे, जैसे कि मैंने बताया इस पार्ट में, आप एक या दो बार ही प्रेस करके लगाएंगे और बहुत ज़्यादा खींचते नहीं है, बस यही एक डिफरेंस है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग कराने का सोच रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस एक प्रेसिंग का डिफरेंस है। उसके अलावा स्मूथनिंग में क्या होता है कि स्मूथनिंग में थोड़े कम चार्ज लिए जाते हैं और रिबॉन्डिंग में अच्छा खासा चार्ज लिया जाता है। इसका कारण भी ये है कि रिबॉन्डिंग में अब आप मुझसे बोलोगे जब केमिकल एक लग रहे हैं तो चार्जेस का डिफरेंस क्यों, चार्जेस का डिफरेंस इसलिए क्योंकि जब टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस, चाहे आप रिबॉन्डिंग करा लीजिए चाहे आप स्मूथनिंग करा लीजिए, दोनों में टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर यू नो कंज्यूम होता है, आपके बालों को स्ट्रेट करने, यानी कि प्रेसिंग मशीन से जब आप अपने क्लाइंट के बालों को प्रेस कर रहे होते ना, सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ लगता है, क्योंकि आप रिबॉन्डिंग में एक एक बालों को लेके कम से कम एक ही जगह पर यू नो 20 से 25 बार लगा रहे होगे, तो सोचो आप पूरे बालों में कितनी देर लगेगी, राइट। तो क्या होता है, स्मूथनिंग में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ना पतली पतली लटों को नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर उनका टाइम बच जाता है, तो इस हिसाब से वो पैसे भी कम लेते हैं स्मूथनिंग में ही लगा, बट प्रोडक्ट आप सेम ही लगता है, केमिकल सेम ही लगते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग की एज कितनी रहती है, कितने साल ये जिंदा रहते हैं। रिबॉन्डिंग की एज आपकी 6 से 8 महीने आराम से चल जाती है रिबॉन्डिंग अगर आप कराते हो तो। अच्छा, एक और मैं बता दूं कि रिबॉन्डिंग परमानेंट होती है। दोस्तों, कई बार ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि रिबॉन्डिंग कब तक रहेगी, तो दोस्तों ये रहती तो परमानेंट है, जो आपने लेंथ पे, जो आपके लेंथ पे रिबॉन्डिंग हो चुकी है या केमिकल ट्रीटमेंट एक बार हो चुका है तो वो तो आपका रहेगा, लेकिन जो रूट से बाल उग रहे होंगे, जो आपके अंदर से जो बाल उग रहे होंगे, वो आपके जो आपका टेक्सचर है उसकी उसी बॉन्ड में उगेंगे, जो आपके बालों का टेक्सचर है वो उसी बाल में उगेंगे, ठीक है ना, रूट में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रिबॉन्डिंग की जो एज होती है वो होती है 6 से 8 महीने और स्मूथनिंग की जो एज होती है वो होती है 4 से 5 महीने।
ठीक है, तो ये थोड़ा कम समय इसलिए भी चलता है कि भाई उसमें इतना ज्यादा मेहंदी लगी होती है तो पैसे भी इतने ज्यादा नहीं लिए होते हैं स्मूथनिंग में, तो स्मूथनिंग की एज थोड़ी सी कम है रिबॉन्डिंग से। इसके अलावा जो रिबॉन्डिंग में आपके 100% यू नो बाल एकदम सीधे होते हैं, क्योंकि बाल सीधा होता है, बट रिबॉन्डिंग में 75% बाल आपके सीधे दिखते हैं, आपको ऐसा सीधा एकदम लुक नहीं देगा वो। अगर आपके बाल, आप सोच रहे हो कि स्मूथनिंग से आपके बाल एकदम सीधे दिखने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, 75% तक दिखते हैं वो और मैनेजेबल होते हैं, और ऐसा नहीं फेक लुक नहीं देता है उसमें। जैसे कि रिबॉन्डिंग में थोड़ा बहुत यू नो आपको पता चल जाता है कि भाई सामने वाले ने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कराया हुआ है, बट स्मूथनिंग में ऐसे पता नहीं चलता है। तो अगर आप अगर ये सोच रहे हो कि स्मूथनिंग से आपके बाल सीधे लगने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बालों में ऑफकोर्स वो फ्रीजीनेस चली जाती है, थोड़ी सी स्मूथ हो जाते हैं, लेकिन ऐसे यू नो बहुत ज़्यादा सीधे नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बताया रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में अंतर। इसके अलावा दोस्तों केराटिन क्या होता है? केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, ये आपके बालों को प्रोटीन पहुंचाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन से बाल अच्छे से यू नो उगते हैं, अच्छे बढ़ते हैं, लेंथ अच्छी होती है, प्रोटीन से हमारे बालों में शाइनिंग आती है। तो प्रोटीन ट्रीटमेंट ऑफकोर्स बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हल्का महंगा जरूर है, कॉस्टली पड़ता है केराटिन ट्रीटमेंट, लेकिन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगेन अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ केराटिन ट्रीटमेंट में, तो ऑफकोर्स रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में तो सेम प्रोडक्ट यूज होते हैं, बट केराटिन में सेम प्रोडक्ट यूज नहीं होते हैं, उसमें अलग टाइप का पूरा प्रोसीजर होता है, वो अलग टाइप से करते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपके बालों की फ्रीजीनेस को खत्म करता है केराटिन ट्रीटमेंट। और केराटिन ट्रीटमेंट को अगर आपके बाल बहुत ज्यादा यू नो फ्रीजी रफ हो रहे हैं, तो ये आपके बालों को स्मूथ लुक देगा, आपके बालों में शाइन प्रोवाइड करेगा, आपकी जड़ों को मजबूत बनाएगा केराटिन ट्रीटमेंट, और 30-40% आपके बाल सीधे भी दिखेंगे। अगर आप यू नो थोड़ा स्ट्रेट लुक भी देता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 30-40%, ज्यादा नहीं। और बस इन केराटिन ट्रीटमेंट का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपके बालों को अच्छा खासा यू नो प्रोटीन पहुंचाना। और जो केराटिन ट्रीटमेंट की जो लाइफ है वो 1 to 2 months है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर आप रिबॉन्डिंग कराने की सोच रहे हैं या स्मूथनिंग कराने की सोच रहे हैं या केराटिन ट्रीटमेंट कराने की सोच रहे हैं, आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराने की सोच रहे हैं, तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। कई बार एक क्वेश्चन मेरे पार्लर में भी आते हैं, लोग वो पूछते हैं मेरे से कि दी अगर हम रिबॉन्डिंग करा लेंगे तो हमारे बाल डैमेज तो नहीं हो जाएंगे, अगर हम यू नो स्मूथनिंग करा लेंगे तो हमारे बाल डैमेज तो नहीं हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा झड़ने तो नहीं लगेंगे, और दूसरा सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि ये कब तक रहेंगे। मैंने आपको इनकी स्पेसिफिकली मंथ तो बता दिए, अब मैंने आपको जो मंथ बताए हैं उसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से केयर कर रहे हो अपने बालों की। अगर आपने अपने बालों में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कराया है तो आपको उसको केयर भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप देखो फैशन के साथ तो सबको चलना है। कई बार लोग कहते हैं कि रिबॉन्डिंग से हमारे बाल खराब हो जाएंगे, उनका मन बहुत होता है लेकिन वो कराते नहीं है, ये कहने से उनको डर लगता है कि हमारे बाल झड़ नहीं जाए। अब देखो झड़ने का तो ऐसा है कि केवल यही कारण नहीं होता है कि अगर आपने रिबॉन्डिंग करा ली तो ही आपके बाल झड़ने लगेंगे, ऑफकोर्स में केमिकल होते हैं तो डैमेज तो होता है। अगर आप अपने बालों में केमिकल कुछ लगाओगे या अपनी स्किन पे भी केमिकल लगाओगे तो हल्का फुल्का वो डैमेज तो करेगा, लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप अच्छे से केयर कर लोगे ना अपने बालों की, तो वो जो केयर होगी वो आपके बालों के जीवन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, जो क्वेश्चन ये जो आप अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि कितने दिनों तक रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने घर में कोई मशीन भी लेके आते हो और उसको बहुत अच्छे से केयर करके रखते हो, तो क्या होती है उसकी जीवन और उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। वहीं आप अगर उसको रफली यूज़ करोगे तो उसकी लाइफ जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं रहेगी। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यू हैव टू केयर योर सेल्फ, यू हैव टू केयर योर हेयर्स आफ्टर रिबॉन्डिंग, आफ्टर स्मूथनिंग और आफ्टर एनी केमिकल ट्रीटमेंट। अच्छे से केयर करोगे तो आपकी रिबॉन्डिंग भी बहुत साल अच्छे से चल जाएगी, हो सकता है एक साल तक चल जाए, और अगर आप अपने बालों की केयर नहीं करोगे तो हो सकता है 6 महीने भी ना चले। ओके, नाउ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बाल वर्जिन है और आपने अभी तक कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया है, कोई भी कलर नहीं लगवाया है, कुछ भी नहीं कराया है, तो आप ऑफकोर्स रिबॉन्डिंग करा सकते हैं, लेकिन आपको बार बार रिबॉन्डिंग नहीं कराना चाहिए। अगर आप रिबॉन्डिंग करा चुके हैं और आपकी रिबॉन्डिंग खुल गई है, खुलने का मतलब है आपके बाल उग गए हैं, नए नए बाल उग गए हैं और बिल्कुल आपकी रिबॉन्डिंग खत्म हो चुकी है, तो यू कैन गो फॉर दी स्मूथनिंग। स्मूथनिंग के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि अगर आप बार बार यू नो रिबॉन्डिंग कराओगे तो ये आपको बालों को डैमेज पहुंचाती है, ऑफकोर्स पहुंचाएगी। इसके अलावा अगर आपको प्रोटीन पहुंचाना है अपने बालों में, तो और आपको यू नो अच्छे खासा डैमेज हो गया है आपके रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग करा करा के आपके बालों को,
तो ऑफ कोर्स आप केराटिन ट्रीटमेंट करा सकते हो। और अगर आप केवल ये सोच रहे हो कि आपके बाल बस मैनेजेबल रहें, बहुत ज़्यादा यू नो फेक लुक भी ना दें, और आप बस ब्लो ड्राई करके आप सीधे यू नो आपको ब्लो ड्राई करने की भी ज़रूरत ना पड़े, और आप सीधे ऑफिस कॉलेज कहीं भी आपको जाना हो और आप आराम से बाल खोल के चले जाओ, तो फिर आप स्मूथनिंग करा सकते हो। ज़्यादा डैमेज भी नहीं होते हैं बाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार बार स्ट्रेट नहीं करते हैं, तो आपके रूट से डैमेज भी नहीं होते, ज़्यादा हीट नहीं लगती है। ये था पूरा डिफरेंस रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और केराटिन में। आई रियली होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, बिल्कुल भी आलस मत करना मेरे वीडियो को लाइक करने में, और इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।